दोस्तों, क्या आपके साथ ऐसा कभी हुआ है कि सोते हुए आप अचानक जग जाएं और अपने शरीर को हिलाने डुलाने की कोशिश करें, लेकिन आप ऐसा कर पाने में असमर्थ हों? आप ऐसा महसूस करें कि कोई चीज़ है जो आपको हिलने से रोक रही है? अगर ऐसा है तो आप स्लीप पैरालिसिस यानी निद्र लकवा के शिकार हैं। दोस्तों, स्लीप पैरालिसिस एक ऐसी अवस्था है जब आपका दिमाग तो जाग रहा होता है लेकिन शरीर सोने की अवस्था में होता है। ऐसे में जब आप हिलने या फिर उठने की कोशिश करते हैं तब ऐसा लगता है कि कोई चीज़ आपको ऐसा करने से रोक रही है। ऐसे में मन में एक डर का आना ये तो लाजमी बात है। दोस्तों, मैं भी इस बीमारी का एक बार शिकार हुआ था। आइए दोस्तों, मैं सेल्फ एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ आखिर क्या होता है जब हमें स्लीप पैरालाइज होता है। बात है सन 2020 की, जब पहली बार मुझे स्लीप पैरालाइज हुआ था। दोस्तों, ये मुझे एक रात में 3 बार हुआ था जिससे मैं काफ़ी डर गया था। दोस्तों, मैक्सिमम लोग इस बीमारी को भूत प्रेत बाधा मानते हैं। उनमें से हमारी मम्मी भी थी जो इस बीमारी को भूत प्रेत बाधा मानती थी। तांत्रिक वांत्रिक से मिलकर इस बीमारी का निचोड़ निकाल लिया और मैं ठीक हो गया। दोस्तों, ये भूत प्रेत बाधा थी या कोई बीमारी इसका तो मुझे नहीं पता, लेकिन वो मोमेंट काफ़ी डरावना था। दोस्तों, जब हम इस बीमारी के शिकार होते हैं तब एक नॉर्मल आवाज़ हमारे कानों में इको टाइप में सुनाई देती है जो काफ़ी भयानक और डरावनी लगती है। अब सवाल उठता है कि क्या स्लीप पैरालाइज जानलेवा हो सकता है? तो चलिए जानते हैं कि निद्र लकवा यानी कि स्लीप पैरालाइज हमारे लिए घातक होता है या नहीं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ में बेल आइकन दबा दें ताकि हम आप तक ऐसे ही इंटरटेनिंग वीडियो आसानी से पहुंचा सकें। दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। विशेषज्ञ बताते हैं कि स्लीप पैरालिसिस एक ऐसी अवस्था है। एक मिनट रुको। दोस्तों, जरा वीडियो को लाइक कर लो। कर लिया? हाँ, अब ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। विशेषज्ञ बताते हैं कि स्लीप पैरालिसिस एक ऐसी अवस्था है जब कोई नींद से उठता है और देखता है कि उसका पूरा शरीर लकवाग्रस्त हो गया है। ऐसे में वह अपने शरीर के किसी भी अंग को हिला डुला नहीं पाता। ऐसा अक्सर उन लोगों के साथ ज़्यादा होता है जो नार्कोलेप्सी या निद्रा रोग से ग्रस्त होते हैं। दरअसल कोई भी व्यक्ति जब सोता है तब दिमाग, शरीर और मन को शक्तिहीन कर देता है ताकि वह आराम कर सके। ऐसे में कभी ऐसी स्थिति भी आ जाती है जब आपका दिमाग तो जाग जाता है लेकिन शरीर सोया हुआ होता है। जब आपका दिमाग आपके शरीर से पहले जग जाए तभी स्लीप पैरालिसिस की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। दोस्तों, ज़्यादातर लोगों में यह कुछ ही देर में अपने आप ठीक भी हो जाता है। निद्रा लकवा किसी को भी हो सकता है, लेकिन जो लोग नार्कोलेप्सी से पीड़ित होते हैं उनमें इसकी संभावना ज़्यादा होती है। दोस्तों, विशेषज्ञों का कहना है कि स्लीप पैरालिसिस डरावना है लेकिन यह जानलेवा नहीं है। यह आपको परेशान कर सकता है, इसलिए आपको इसका इलाज करवाना चाहिए। स्लीप पैरालिसिस कोई बीमारी नहीं है, यह सिर्फ स्लीप पैटर्न में असंतुलन की वजह से होता है। विशेषज्ञों के मुताबिक दिमाग और शरीर के असंतुलन की वजह से स्लीप पैरालिसिस की घटना घटित होती है। दोस्तों, उम्मीद है आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर पसंद आया है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और इसके बारे में दोस्तों अधिक जानना है तो गूगल करो। धन्यवाद। जय हिंद एवरीवन।